ओके, पॉलीमर का बेसिक रिएक्शन में हमेशा डबल बॉन्ड होना जरूरी है। एक एवरीवेयर इट शुड बी डबल बॉन्ड, जैसा CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये होता है। तो इसमें का जो एक बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड रहता है। पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ऐसे एन मॉलिक्यूल लेंगे, वी विल टेक एन मॉलिक्यूल्स, और क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ठीक है। और फिर इसी का ये मॉलिक्यूल आपस में खुद खुद के साथ रिएक्ट होता है, लाइक दिस CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सो ऑन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, 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 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। एंड यू कैन सी दैट ये एक एक इलेक्ट्रॉन बाउंड हो जाते हैं, इसमें बॉन्ड बनता है, इसमें बॉन्ड बनता है, ये ओपन है, ये आगे चल के और बॉन्ड बनाएगा, इधर भी आगे चल के और बॉन्ड बनाएगा। और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक ऐसा बाहर बॉन्ड निकालना ब्रैकेट के बाहर एन मॉलिक्यूल्स। सो एन में भी 2000, 10000, 15000 ऐसे मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होके आपको पॉलीमर मिलता है। तो ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये जो रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज LDP, किसका रिएक्शन है, LDP का। देखो यार, हमने अभी कौन कौन से स्टडी किए, फर्स्ट इज LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, ठीक है। थर्ड थर्ड हमने कवर किया है, दैट इज टेफ्लॉन, टेफ्लॉन हमने कवर किया है। फोर्थ इज हमने कवर किया है ओरलॉन, ओरलॉन और एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल, है ना, ये कवर किया। सिक्स फिफ्थ हमने कवर किया नायलॉन, सिक्स 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 हमने कवर, आज कवर करने वाले टेरिलिन, टेरिलिन। सेवन करने कवर करने वाले हैं नायलॉन सिक्स, एट कवर करने वाले हैं गुना गुना एन, देन नाइन्थ कवर करने वाले हैं भुना एस, देन हमने यहाँ पे एक रबर भी किया, एक रबर रबर भी हमने बनाया, कल रबर का भी हमने देखा। रबर का फॉर्मूला है 2-मिथाइल 1-3-ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन ये भी हमने कवर किया था। भुना एन भुना एस कवर करने वाले हैं, उसके बाद में हम कवर करने वाले हैं 10 है बैकेलाइट, बैकेलाइट, देन ये हो गया 10th। 11 कवर करने वाले हम मेलामाइन, मेलामाइन का फॉर्म ये पॉलीमर्स, इतने सारे। एंड देन 12th हम बायोडिग्रेडेबल कवर करने वाले, एक ही है, ज्यादा नहीं है इसमें, बायोडिग्रेडेबल, इतने पॉलीमर्स हम कवर करने वाले हैं। तो इसका टेम्परेचर आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो आज हमारे ये पूरे कवर हो जाएंगे, इसको लिखते कैसा वो आपको समझना है। और मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि बॉन्डिंग कैसा होता है, तो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड हमको हमेशा ब्रेक करना है, उसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है। तो हमने रबर देखा था कल, LDPE देखा था, HDPE देखा था। तो जो LDPE और HDPE का जो टेम्परेचर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर में जरा मिस्टेक लग रहा है मुझे एक जगह पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं लो डेंसिटी पॉलीथिलीन का जो प्रेशर है 1000 एटमोस्फियर है, 2-2000 एटमोस्फियर। यहाँ का जो प्रेशर है ये 5-6 एटमोस्फियर है ना, 5-6 एटमोस्फियर। यहाँ का टेम्परेचर है 350 केल्विन, वो 370 केल्विन होना चाहिए, यहाँ पे बुक में 570 दिया है, ये टेम्परेचर करेक्ट है, 350-570 दिया है, 350-370 केल्विन। और यहाँ पे 333-343 केल्विन ये टेम्परेचर है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट है, इज ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन है, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है, जिग्लर नॉट का कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देखें टेफ्लॉन, टेफ्लॉन में टेफ्लॉन का जो मोनोमर है
हम सबसे पहले भी देखते हैं एक-एक रिएक्शंस, तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है। टेफ्लॉन क्या है, देखो टेफ्लॉन में क्या हो रहा है, टेफ्लॉन में CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये एक्चुअली हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, फिर आपको क्या मिलेगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और ये N, ये N मॉलिक्यूल लेंगे जिसका पॉलीमर बन रहा है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ टेफ्लॉन, ये टेफ्लॉन का रिएक्शन है, ये भी हमने कल देखा था, इसमें वी हैव सीन दिस रिएक्शन। ठीक है, सो देखते आगे। उसके बाद में हमने नायलॉन 6 का देखा था, नायलॉन 6 6 का, तो नायलॉन 6 6 में जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है, ये होता है टेरिप्थेलिक एसिड। उसका फॉर्मूला क्या है, देखो नायलॉन 6 6, हाँ नायलॉन 6 6, इसमें दो रॉ मटेरियल रहेंगे, दोनों के रॉ मटेरियल में छह छह कार्बन एटम है। तो हमारा जो पहला रॉ मटेरियल है टेरिप्थेलिक एसिड, क्या है इसमें, CH2 4 COOH, COOH, टोटल छह कार्बन एटम, 1, 4 और 6, प्लस हेक्सामिथिलीन डायमाइन, हेक्सामिथिलीन मतलब CH2 6, डायमाइन मतलब NH2, NH2 अमाइन मतलब NH2 रहता है। तो इस तरीके का इनका रिएक्शन है, ये भी हम N मॉलिक्यूल लेंगे, ये भी N मॉलिक्यूल, इन दोनों का रिएक्शन हमने देखा यहाँ पे। पहले सबसे पहले नायलॉन सॉल्ट मिलता है, ये H चला जाएगा नाइट्रोजन के पास, ये H चला जाएगा ये नाइट्रोजन के पास, तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट कैसे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, देन CH2 4 C डबल बॉन्ड O O माइनस, और यहाँ पे आएगा NH3 प्लस, NH3 प्लस CH2 6 NH3 प्लस, है ना, ये हो गया नायलॉन सॉल्ट। बिकॉज ये एसिड है, इसका नाम है टेरिप्थेलिक एसिड, ये बेस है, तो एसिड प्लस बेस आपको मिलता है सॉल्ट, नायलॉन सॉल्ट, और इसमें से 2NH2 निकल जाएगा, 2NH2 निकल जाएगा। तो 2NH2 कैसे निकलेगा, इधर का 2, दो हाइड्रोजन और इधर का ऑक्सीजन, इधर का 2 हाइड्रोजन और इधर का 1 ऑक्सीजन। तो अभी देखो रिएक्शन कैसे मिल रहा है, यहाँ पे माइनस करेंगे, -2NH2 निकल जाएगा, ये वो निकल गया, मतलब यहाँ पे सी से बॉन्डिंग है, सी डबल बॉन्ड ओ CH2 4, देन सी डबल बॉन्ड ओ, H2O निकल गया, यहाँ पे NH है, उसके बाद में यहाँ पे CH2 6, और यहाँ पे फिर से NH, और ये बॉन्डिंग के लिए रहा, ऐसा N मॉलिक्यूल है। तो ये हमारा हो गया, दिस इज अ नायलॉन 6 6, नायलॉन 6 6। तो इसमें जो लिंकेज है इसको पॉलीअमाइड लिंकेज बोलते हैं, ये जो लिंक यहाँ पे बना है इसको क्या बोलेंगे हम, इट इज अ पॉली अमाइड लिंकेज। ठीक है, ये पॉलीअमाइड लिंकेज, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पूरा बता दिया कि ये कैसे बनता है। तो नायलॉन 6 6 मैंने बनाया, टेरिप्थेलिक एसिड है, देन ये है आपका हेक्सामिथिलीन, नाम ही देखो हेक्सा मिथिलीन, METHYLEN मिथिलीन, ये मिथिलीन ग्रुप है, ऐसे 6 हेक्सा ग्रुप, डायअमाइन ऐसा उसका नाम है, और ये है टेरिप्थेलिक एसिड, क्या नाम है इसका, टेरिप्थेलिक एसिड एसिड। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया नायलॉन 6 का प्रिपरेशन। तो हमने सभी देखे, अभी हमने 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे, तो 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन को समझते क्या है, तो ओके आगे जाते हैं। तो ये हमने देखा लो डेंसिटी पॉलीथिन, टेम्परेचर यहाँ पे देखो 350 से 1000 to 2000 एटमोस्फेयर प्रेशर। उसके बाद में हमने देखा ये टेम्परेचर में आपको करेक्शन करना, देखो यहाँ पे देखो 570 लिखा है, ये जो 570 है इसके बदले में आप 370 डालो यहाँ पे, ठीक है, दैट इज द मिस्टेक है। उसके बाद में हमारा ये हो गया हाई डेंसिटी पॉलीथीन का टेम्परेचर कंडीशन पता है आपको, और प्रेशर कंडीशन। ठीक है, फिर आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, ओके। फिर हमने ये देखा टेफ्लॉन, टेफ्लॉन भी हमने समझा, NCF2 डबल बॉन्ड CF2, और ये बॉन्डिंग मैंने आपको बताया, ये टेफ्लॉन बन गया,
इसका नाम है टेट्रा फ्लोरोइथीन, चार फ्लोरीन है इसके लिए टेट्रा फ्लोरोइथीन और डबल बॉन्ड इसके लिए इथीन, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारे पास हो गया ये ओरलॉन एक्रिलोनाइट्राइड, है ना, ये क्या देखते हैं, एक्रिलोनाइट्राइड का मैंने फॉर्मूला बताया CH2 डबल बॉन्ड CHCN, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको समझना है ये ना CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये आपका फॉर्मूला है एक्रिलोनाइट्राइड, एक्रिलोनाइट्राइड, ठीक है। और आप इसका जब रिएक्शन करोगे तो आपको पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें का एक वीक है, तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका मोनोमर कैसे बन रहा है, देखो इसका मोनोमर बन रहा है CH2 सिंगल बॉन्ड CHCN, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, फिर ये वाला आपका रिपीटिंग यूनिट होगा, ये वाला क्या हो जाएगा रिपीटिंग यूनिट, ये अभी बार बार यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, है ना, ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा बार बार रिपीट हो जाएगा, सो इट विल बी रिपीटेड, देखो CH2 CH, ये मैं समझा रहा हूँ आपको लिखना नहीं है ऐसा, ये पहला मॉलिक्यूल, फिर उसके बाजू में दूसरा मॉलिक्यूल CH2 CHCN यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर, इसका नाम क्या है एडिशन पॉलीमर CN, ऐसे एन मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे, और यहाँ पे बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड हो रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड इधर आगे होगा और यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा, तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे हम, CH2 ब्रैकेट के बाहर, ये लाइन ब्रैकेट के बाहर आना चाहिए थोड़ा सा, CH2 CHCN यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर और यहाँ पे एन करेगा, तो रिपीटिंग यूनिट हो गया, और रिपीटिंग यूनिट से आपका ये जो पॉलीमर बनता है, इस पॉलीमर का नाम है पॉली एक्रिलोनाइट्राइड, इसका नाम क्या है पॉली एक्रिलोनाइट्राइड, इसका नाम कमर्शियल नेम है ओरलॉन, ओरलॉन भी एक कमर्शियल नेम है उसका, यहाँ पे आपको समझना है ना, दिस इज द कमर्शियल नेम ओरलॉन, समझ में आए ये, जाए आगे, ये हमारा हुआ था कल, जाओ बस आगे, ओके नाउ सो हमारा हो गया ये ओरलॉन, फिर हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड स्लाइड पे, तो पॉलीअमाइड फाइबर ये मैंने जस्ट अभी समझाया है, नायलॉन 6-6 है ये आपका, सॉरी मैंने नाम गलत बताया, एडीपिक एसिड है, टेरिप्थेलिक एसिड इसमें लगेगा, टेरिप्थेलिक एसिड इसमें लगेगा ना, इसमें एडम टेरिलिन में लगता है, मेरा बोलते बोलते मिस हो गया, टेरिप्थेलिक एसिड का नाम यहाँ पे लगेगा, ये टेरिप्थेलिक एसिड, उसका नाम क्या है एडिपिक एसिड, थोड़ा मेरा गलती हो गया बोलते बोलते, तो एडिपिक एसिड इज द नायलॉन 6-6 में होता है, तो आपको आता है व्हाट आर द रॉ मेटल यूज फॉर नायलॉन 6-6, तो नायलॉन 6-6 के लिए जो रॉ मेटल यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज एडिपिक एसिड है एंड हेक्सामिथिलीन डायमंड, ये वाला आपका रॉ मेटल है, इससे आपको नायलॉन सॉल्ट मिलेगा, और यहाँ पे आपको देखना है 553 केल्विन प्रेशर लिखना जरूरी है, एंड फिर इसमें से NH2 निकल गए, जैसा मैंने आपको बोला वैसे निकल गए, इसका नाम खाली मैंने गलत बोला था, इसका नाम है एडिपिक एसिड, टेरिप्थेलिक एसिड विल बी यूज इन टेरिली, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया नायलॉन 6-6 हो गया, ठीक है, फिर हम जाते आगे, फिर हम जाते आगे, नायलॉन 6-6 हो गया, आगे जाते हैं, नाउ अभी हम देखने वाले हैं नायलॉन 6 का प्रिपरेशन कैसे होता है वो देखेंगे, तो नायलॉन 6 का प्रिपरेशन में आपको ई कैप्रोलैक्टम होता है ना, ई कैप्रोलैक्टम कैसे बनते हैं वो भी हम सबसे पहले समझे, ई कैप्रोलैक्टम मतलब क्या, देखो एक्चुअली है ना ओमेगा एमिनो कैप्रोइक एसिड, ऐसा एक कंपाउंड रहता है ओमेगा एमिनो कैप्रिक एसिड, व्हाट इज ओमेगा आपको पता है, जैसा हमारा ए बी सी डी ई एफ रहता है वैसे रोमन न्यूमेरिकल्स में जो अल्फाबेट रहते हैं दैट इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा और ओमेगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, तो ये ऐसे यहाँ पे है, तो ओमेगा इस तरीके से डब्ल्यू नहीं ये ओमेगा है, ठीक है, तो
कितना नंबर आ रहा है इसमें? 5 नंबर, 1 2 3 4 5। ओमेगा एमिनो कैप्रिक, कैप्रिक मतलब जिसमें 5 कार्बन एटम रहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा देखो, इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, COOH CH2 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 1 2 3 4 CH2 और यहाँ पे NH2। देखिए अभी क्या हो रहा है, और मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, NH NH इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। NH2 मतलब यहाँ पे फिलहाल कोई बॉन्डिंग नहीं, यहाँ पे फिलहाल कोई बॉन्डिंग नहीं। इसका नाम क्या है, जो मैंने कंपाउंड लिखा साइकिल जैसा लिखा, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। इसका नाम है ओमेगा एमिनो का। व्हाई इज ओमेगा, बिकॉज ये होता है अल्फा, जो ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको जो भी कंपाउंड लगे उसको बोलते हैं अल्फा, ये बीटा गामा डेल्टा और ओमेगा। ओमेगा एमिनो, एमिनो मतलब NH2, कैप्रोइक, कैप्रोइक मतलब जिसमें 5 कार्बन एटम रहते हैं उसको, और ये एसिड है, COH मतलब एसिड है। तो ये कंपाउंड है, तो ये क्या होता है ओमेगा एमिनो कैप्रोइक एसिड, क्या होता है इसमें से HOH निकल जाता है, यहाँ पे HOH निकल जाता है। तो -H2O निकल गया तो क्या कंपाउंड बनेगा देखो अभी, सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ यहाँ पे बचा है, यहाँ पे NH, यहाँ पे क्या बचा है CH2, ये CH2, दूसरा तीसरा CH2, चौथा CH2, पांचवा CH2, और यहाँ पे बॉन्ड है। तो एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया, यहाँ से H2 निकल जाने के बाद यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया। ये जो साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे बन गया इसका नाम है ई कैप्रोलैक्टम, ई कैप्रोलैक्टम है ना। और ये जो है हमारा बेसिक कंपाउंड है नायलॉन 6 6 का, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होता है, ई कैप्रोलैक्टम से होता है। अभी क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये जो ई कैप्रोलैक्टम लेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ NH CH2 CH2 CH2, तीन हो गए, 4 CH2, 5 CH2 और 6 ई कैप्रोलैक्टम। इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, इसको क्या करेंगे हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद यहां से फिर से ब्रेक हो जाता है, यहां से क्या होता है फिर से ब्रेक हो जाता है, और क्या मिलेगा देखो आपको, सी डबल बॉन्ड ओ, ये CH2/5 CH2/5 और ये NH NH, यहां से बॉन्डिंग के लिए तैयार है। यही मॉलिक्यूल यहां से ब्रेक होके फिर से आपस खुद को लगता है, ये उसका रिपीटिंग यूनिट, ऐसे एन मॉलिक्यूल लगेंगे, और ये जो हमारा बना इसको हम बोलते हैं नायलॉन 6। क्या बोलते हैं इसको, नायलॉन 6। तो देखो यहाँ पे क्या भाई, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, मैंने बताया इसका हिंट क्या, ओमेगा एमिनो कैप्रिक एसिड है, ई कैप्रोलैक्टम है, और ओमेगा क्यों मैंने आपको बताया उसका रीजन क्या है। तो यहाँ से ब्रेक होगा, ये साइकिल जो है ना, ये साइक्लिक यहाँ से ब्रेक होता है, और एक CO इधर से ओपन रहेगा, एक NH इधर से ओपन रहेगा, और फिर ये वाला यूनिट फिर से यहाँ पे लगता है, यही यूनिट इधर बाजू में लगेगा, ये यूनिट इधर बाजू में लगेगा, तो CONH लिंकेज बनता है और आपको नायलॉन 6 मिलता है। तो दिस इज हाउ वी गेट अ नायलॉन 6 का रिएक्शन, मैंने यहाँ पे आपको बताया। समझ में आपको रिएक्शन कैसे है, तो ये वाला कंपाउंड बुक में अभी यहाँ से डायरेक्ट स्टार्टिंग है, ये वाला यहाँ से स्टार्टिंग है। तो देखते हैं कहाँ से स्टार्टिंग है बुक में से, एक बार फिर से नायलॉन 6 को पढ़ते हैं। ये हमारा पहला आज पॉलीमर हम स्टडी करें, बिकॉज कल हमने बाकी के कवर किए थे। देखो ओके, नायलॉन 6 इसको हम पढ़ते हैं, नायलॉन 6 को क्या है, नाउ व्हाट इज दैट नायलॉन 6। ओके, तो नायलॉन 6 का कहना क्या है, व्हेन अ एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम और ई कैप्रोलैक्टम इज हीटेड विद वाटर, इसको गर्म करना है, टेम्परेचर ध्यान में रखना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या है, 533 to 543 केल्विन, ये टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इज हीटेड विद वाटर, पानी के साथ हीट कर रहे हैं, एट हाई टेम्परेचर इट अंडरगोज रिंग ओपनिंग, ये रिंग है ना, यहाँ से ब्रेक होगा, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन टू गिव द पॉलीमाइड फाइबर ऑन नायलॉन 6। तो यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ पे देखो NH इधर आया, देन ये वाला पूरा अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा उन्होंने लिया,
और ये हम आपका बना यहाँ पे CH2 by 5 CO by N, तो दिस इज हाउ नाइलॉन 6 इज फॉर्म। तो ये आपको रिएक्शन याद, टेम्परेचर ध्यान में रखना, टेम्परेचर है 533 to 543 केल्विन, 10 10 10 10 का फर्क है। व्हेन एप्सिलॉन कैप्रोलेक्टम इज हीटेड विद द वाटर एट हाई टेम्परेचर इट अंडरगोज रिंग ओपनिंग, रिंग ओपन होता है पॉलीमराइजेशन टू गिव द पॉलीमर दैट इज कॉल्ड एज नायलॉन 6 6, ठीक है, नायलॉन 6 सॉरी, द नेम नायलॉन 6 गिव्स। ये 6 क्या बताता है, 6 ऐसा बताता है कि इसका जो रॉ मटेरियल है इसमें 6 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6। इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ 6 कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ मोनोमर यूनिट ड्यू टू इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लस्टर। नायलॉन 6 फाइबर्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। तो रोप्स बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड, ये फॉर्मूला हो गया हमारा नायलॉन 6 का। अभी हम आगे जाते हैं, ठीक है, विल गो फॉरवर्ड। पॉलिस्टर फाइबर, पॉलिस्टर फाइबर मतलब जो हमारे यहाँ पे रिलायंस में बनता है, रिलायंस में ओरलॉन भी बनता है। ये जो ना, ये आपका ये वाला जो इथिलीन ग्लाइकॉल और ये टेरिप्थेलिक एसिड का रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान दोगे। ये जो कंपाउंड है व्हाइट इथिलीन, इथिलीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको इथिलीन बोलते हैं। व्हाट इज ग्लाइकॉल, जब दो OH ग्रुप लगते हैं तो उसको हम ग्लाइकॉल बोलते हैं। एक OH ग्रुप अगर लगता है, वन OH ग्रुप लगता है तो हम उसको अल्कोहल बोलते हैं। क्या नाम उसका, अल्कोहल। अगर दो OH ग्रुप लग रहे हैं यहाँ पे तो इसका नाम है ग्लाइकॉल, है ना। तीन OH ग्रुप लगते हैं तो उसका नाम है ग्लिसरॉल। क्या नाम है इसका, ग्लिसरॉल। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो यूज हम करेंगे, देखते आगे। तो हमने लिया इथिलीन ग्लाइकॉल और हमने लिया ये टेरिप्थेलिक एसिड। टेरिप्थेलिक एसिड, टेरिप्थेलिक एसिड मतलब क्या, एक बेंजीन रिंग है और ऊपर में भी COH ग्रुप लगा है, नीचे भी COH ग्रुप लगा है, पैरा पोजिशन पे, यहाँ पे और यहाँ पे COH ग्रुप लगा है। तो ऐसा जब बनते तो उसको हम बोलते हैं टेरिप्थेलिक एसिड। ये जो टेरिप्थेलिक एसिड है, टेरिप्थेलिक एसिड हम आगे देखते हैं, तो इसका टेम्परेचर है 420 to 460 केल्विन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये एच एंड ये ओ एच निकल जाएगा, ये एच एंड ये ओ एच निकल जाएगा, ठीक है, एंड इधर का ओ एच और इधर का एच, ऐसा मैं टेम्पर निकाल, ये वाला एच और ये ओ एच निकल जाएगा, ठीक है, ये ओ एच निकल गया। तो बचा क्या, अभी देखो बचा क्या, बचा यहाँ पे ओ, ये ओ, ओके, सो ये पूरा बेंजीन का सी डबल बॉन्ड ओ, अच्छा इधर यहाँ का ओ एच निकल रहा है, थोड़ा सा लो, ओ एच यहाँ से निकल रहा है। ओ एच कौन सा निकाला उन्होंने, बिकॉज दोनों इसमें ओ एच है, तो इधर का एच निकाला, इधर का ओ एच निकाला, इधर का ओ एच निकाला और इधर का एच निकाला, इधर का एच निकला, ठीक है ना। एसिड का ओ एच गया और अल्कोहल का एच गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये यह आपका यहाँ पे देखो, अभी एक ओ यहाँ पे बचा है, ये ओ इधर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ओ, ये CH2 पर इधर दिख रहा है, ये CH2 CH2, इधर का एक ओ बचा है, इधर का ओ बचा है, इधर के सब निकल गए, तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो गया। देखो अभी सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपका बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, और ऐसे एन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। और आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के बाहर एक यहाँ पे एक बॉन्ड आया, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूशन हो रहा है, यहाँ पे ऐसे एन मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्ट हो जाएंगे, और इसको बोलते हैं डेकेरॉन। इसका नाम क्या है, टेरिलीन और डेकेरॉन, ओके। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को समझते हैं। तो व्हाट आर द रॉ मेटेरियल यूजेस, रॉ मेटेरियल यूज है इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थेलिक एसिड, और टेम्परेचर है 420 to 460, जिंक एसिडेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट, लर्न करना पड़ेगा, जिंक एसिडेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो एक बार ये रिएक्शन को समझते हैं लिख के, तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। तो कैसे कैसे बॉन्डिंग करेंगे देखें, आप क्या क्या बॉन्डिंग किया हमने, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या है, CH2 CH2 OH एंड OH, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर इथिलीन ग्लाइकॉल।
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेरिफ्थेलिक एसिड? एक रिंग निकालेंगे बेंजीन, है ना, और यहाँ पे करेंगे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये टेरिफ्थेलिक एसिड है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। फिर इनका रिएक्शन हो जाएगा, इधर का आप निकाल रहे एच, इधर का निकाले ओ एच, एसिड से ओ एच निकल रहा है, इधर का निकलेगा एच और इधर का निकलेगा ओ एच, ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया था हमें? टेम्परेचर दिया था 453 केल्विन हमारा टेम्परेचर है, और यहाँ पे कैटलिस्ट है जिंक एसीटेट एंटीमनी, क्या है जिंक एसीटेट एंटीमनी और क्या कह सकते, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अभी तो हमने निकाला, अभी बचा क्या, देखो ब्रैकेट डालेंगे, यहां से बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे ओ, यहाँ पे CH2 CH2 ओ, यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सी, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, देन सी डबल बॉन्ड ओ बाहर एन मॉलिक्यूल्स, इसका एन मॉलिक्यूल, इसका एन मॉलिक्यूल, तो ये जो बन गया है इसको बोलते हैं टेरिलीन, टेरिलीन और डैकेरोन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये रिलायंस फाइबर्स बनाता है रिकॉन फाइबर्स, टेरिलीन यूज होता है। समझ में आया टेम्परे रिएक्शन, रिएक्शन समझ में आया? टेम्परेचर एक बार देखते हैं, टेम्परेचर है 422 450 460 केल्विन, ये थोड़ा टेम्परेचर सबका थोड़ा अलग अलग है, लर्न करने में थोड़ा तकलीफ जाएगा, 422 460 केल्विन ये उसका टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो थोड़ा पुराना बुक और नया बुक में थोड़ा सा चेंज है, तो यहाँ पे जो रेंज दिया है वही लिखो, अभी नए बुक के हिसाब से लिखो, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा ये टेरिलिन फाइबर हमने कंप्लीट किया, डेकेरॉन इसका दूसरा कमर्शियल नेम है, डेकेरॉन कमर्शियल नेम क्या इसका, डेकेरॉन। आगे जाते हैं, टेरिलिन, टेरिलिन का कहना क्या है, यहाँ पे क्या है, टेरिलिन हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज रेजिस्टेंस टू द केमिकल्स एंड वाटर, इट इज यूज फॉर मेकिंग व्रिंकल फ्री फाइब्रिक्स, व्रिंकल फ्री फाइब्रिक्स बाय ब्लेंड विद द कॉटन, जब वो उसको कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो उसको टेरिकॉट बोलते हैं, ये नाम तो सबने सुना होगा टेरिकॉट, ठीक है। अगर हम उसको वूल के साथ मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे, तो उसको बोलते हैं टेरी वूल, एंड ऑल्सो एज अ ग्लास रेनफोर्समेंट रीइन्फोर्सिंग मटेरियल्स इन सेफ्टी हेलमेट्स। देन पीटी इज द मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक विच इज अनदर ट्रेड नेम ऑफ द पॉलिस्टर पॉलीइथिलीन टेट्राफ्थैलेट, इट इज यूज फॉर मेकिंग मेनी आर्टिकल्स लाइक बॉटल जार्स पैकिंग मटेरियल्स। तो पीटी जो भी हम ड्रिंकिंग ग्रेड का जो प्लास्टिक रहता है वो ये वाले फॉर्म में रहता है, पीईटी, उसका नाम पीईटी है, और ये प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक बॉडी में, थर्मोप्लास्टिक हमने कल ही डिस्कस किया कि जो गर्म करने के बाद सॉफ्ट होता है और ठंडा होने के बाद हॉट होता है, एंड इच कैन बी रिसाइकलेबल, उसका रिसाइकल हो सकता है, तो ऐसे को हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बोलते हैं, विच इज अनदर ट्रेड नेम ऑफ द पॉलिस्टर पॉलीइथिलीन टेरिप्थैलेट, पॉलीइथिलीन टेरिप्थैलेट। तो हमारा ये हो गया टेरिलीन का, समझ में आया आपको ये सब चीज, समझ में आया, आगे जाते हैं। बस ओके, उसके बाद में अभी देखो हमने क्या क्या पॉलीमर्स कवर किए, एक बार जस्ट 2 मिनट में रिवाइज करते हैं, 4 मिनट है हमारे पास। पहला है रबर, है ना, रबर। दूसरा है LDPE लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, तीसरा है HDPE, फोर्थ है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन है ना, टेफ्लॉन, फिफ्थ है, फिफ्थ हमने यूज किया था ओरलॉन एक्रिलोनाइट्रल, पॉली एक्रिलोनाइट्रल, इसका नाम क्या है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है ना। देन है सिक्स है नायलॉन 6-6, देन सेवन्थ है नायलॉन 6, देन अभी एट हमने यूज किया टेरिलिन, यहां तक हमारा हो गया, ठीक है, यहां तक हमारे पॉलीमर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो सबका रिएक्शन आपको थोड़ा लिख के देखना, टेम्परेचर देखना है, थोड़ा थोड़ा फर्क है टेम्परेचर में, इसको अब लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आगे जाते हैं, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रिलेटेड पॉलीमर्स, और कुछ पॉलीमर्स है, बैकेलाइट हम देखने वाले हैं। बैकेलाइट, बैकेलाइट क्या है? बैकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग का मतलब मैंने ऑलरेडी समझाया, थर्मोसेटिंग मतलब जो गर्म होने के बाद सॉफ्ट होता है और उसके बाद में ठंडा, पहली बार गर्म करेंगे तो हो जाएगा सॉफ्ट, देन ठंडा होने का हो जाएगा हार्ड, और एक बार हार्ड हो गया कि हो गया हार्ड, फिर उसको गर्म करने से कोई फायदा नहीं होता है। इट विल टेक टेक्स अप ओनली वन टाइम हीट, एक बार हीट करने के बाद गर्म सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन वो जब ठंडा होके हार्ड हो जाएगा, फिर आप कुछ भी करो वो फिर से रिसाइकलेबल नहीं है। ऐसे पॉलीमर्स को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, इट इज द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर। जो पुराने जमाने में ब्लैक कलर के स्विचेस थे घर में, वो हमेशा बैकेलाइट से बनते थे, है ना? ब्लैक कलर के आपने देखा होगा, पता नहीं देखा क्या, अभी तो व्हाइट कलर के आ जाते हैं स्विचेस, लेकिन पुराने जमाने में इट इज मेड अप ऑफ, इज अ मिक्सचर ऑफ, एक ब्लैक कलर का स्विच रहता था और उसमें चाइना क्ले का सपोर्ट रहता था। ये सभी स्विचेस हम बैकेलाइट से बनाते थे। ये ओल्डेस्ट पॉलीमर है, ठीक है, ओल्डेस्ट पॉलीमर है। आगे जाते हैं, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म अ थर्मोसेटिंग मोल्डिंग पाउडर, नोवेलैक, एक नोवेलैक पाउडर बनता है इन टू स्टेजेस। इन द थर्ड स्टेज द वेरियस आर्टिकल्स आर शेप फ्रॉम द नोवेलैक बाय पुटिंग इट इन अप्रोप्रिएट मोल्ड एंड हीटिंग इट हाई टेम्परेचर ऑफ 138 डिग्री सेंटीग्रेड टू 176 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट हाई प्रेशर। द रिएक्शन इन्वॉल्व आर रिप्रेजेंटेड एज इन फिगर। अभी हम रिएक्शन देखेंगे। तो तीसरे स्टेप में हमारा ये बनता है, तो सबसे पहले स्टेप में नोवेलैक बनेगा। तो व्हाट इज नोवेलैक? नोवेलैक हम समझते हैं, नोवेलैक क्या है? तो देखो, फिनॉल एंड फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला ये है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फिनॉल, ये ना फिनॉल का फॉर्मूला, एक बेंजीन रिंग रहता है और यहाँ पे OH रहता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फिनॉल। और फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला ये है, HCH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड है, पहला एल्डिहाइड है, इसका फॉर्मूला है CH2O, ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो, फिनॉल यूज किया, फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया, फिर हमें क्या मिलेगा? इन दोनों का रिएक्शन होके यहाँ पे, यहाँ का एक एच, यहाँ पे CH2 ग्रुप रहता है, तो यहाँ पे रिप्लेस होके आपको CH2H मिलेगा, ये यहाँ पे लगेगा CH2H मिलेगा, दो जगह CH2H लगेगा, यहाँ पे CH2H, यहाँ पे CH2H, यहाँ पे तीन जगह CH2H लगा, ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन पे, सॉरी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, तो CH2H लगा। हमारा मीटिंग बंद हो जाएगा, मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर को हम नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे, ठीक है? इसको फिर से लिंक भेजता हूँ मैं, लिंक आप फिर से ज्वाइन कीजिए।